ऐसा कुछ है। अपनी जैकेट, ग्लव्स, स्वेटर, पैंट, बैग, एक ये पैक रखी है, और नीचे मोटा लोअर है, लोअर के ऊपर पैंट, और अब तैयार होते फटाफट क्योंकि हमें लेट। लोग अपनी बाइक तैयार खड़ी है, ये शेरू, ये मम्मी, तो चल रहे हैं अब हम फटाफट भाई। बहुत तगड़ा सीन है, तो राम राम भाई सभी को, तो वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम जा रहे हैं रोड ट्रिप पर, ऑल ऑफ अ सडन प्लान, तो चलो फटाफट चलते, लेट हो गए। सो भाई हम पहुंच चुके हैं अपनी फर्स्ट मीटिंग लोकेशन पे, और सुबह के बज रहे हैं 4। हम जा रहे हैं घूमने, कहाँ जा रहे हैं ये भाई, ऑन द स्पॉट प्लान बनाया हमारा घूमने निकलने का। और भाई ये रही अपनी बाइक फुल रेडी, अब तो भैया का वेट हो रहा है। चलो आवाज़ आवाज़ का क्या कहना है अभी भी यार, सही है मतलब सुबह के हाँ, साथ आवाज़ ठीक है, मतलब ऐसे है स्प्लेंडर जैसी आवाज़ है, मस्त आवाज़ आ रही है, आवाज़ और अलग ही लुक निकाल लग रहा है। मैंने अभी नहीं लिया बाइक, नहीं नहीं पहली न्यू बाइक पे न्यू रोड ट्रिप। दर्शन करके अपना हम निकल लिए रोड ट्रिप पे, और यहीं से अब होती है अपनी ट्रिप की शुरुआत। तो बोलो हर हर महादेव। तो लेट्स गो। पूरा फ्यूल टैंक कराया हमने, इतने के फ्यूल डला है 778 का। उन्हें मैं कैश दूंगा कैश, और अब कर देते हैं हम अपनी बाइक की ट्रिप ज़ीरो। तो ट्रिप ए जीरो, जीरो। अब देखते कितने का फ्यूल लग जाएगा अपनी पूरी ट्रिप में, और एक्सपेंसिव बताएंगे कैसे क्या था। तो चलो अब करते हैं पेमेंट करते हैं फ्यूल की और निकलते हैं। बाकी ये टैंक बैग लगाया है तुल बिया के टैंक बैग, देखते हैं इसका यूज़ होता है कैसा, तगड़ा यूज़ करते। चलो तो भाई जब निकल रहे हैं राजीव चौक पेट्रोल पंप से, और टाइम हो रहा है 5, तो देखते कितनी देर में दिल्ली पहुँचते हैं, और फिर तब अपनी मेन हाईवे को टच करेंगे, और फिर आपको पूरा बताएंगे टाइम से। तो आज डेट है अपनी 19 नवंबर। सो गाइस पूरा व्लॉग देखो एंड बी रेडी, एक नंबर रोड ट्रिप व्लॉग आना चाहिए। मोटर लोग का कुछ जुगाड़ कर रहे, देखते हैं हो पाता है नहीं हो पाता। तो चलो जय श्री राम, व्लॉग में साथ जरूर देना। पहुँच चुके हैं दिल्ली, और अप्पा जी यार आ रहे हैं, वो पीछे हैं, हम आगे आ गए थे। अब यहाँ से चलेंगे, फिर से ऐसे ग्रुप आएगा ऐसे चलते हैं। भाई पूरा ग्रुप आ चुका है अपनी हायाबूसा, निंजा 400, हंटर, टेनार, सुखोई भाई, वहाँ ब्लॉग चल रहा है। तो भाई हम फाइनली निकल रहे हैं यहाँ से, देखो कितने घंटे में मसूरी या जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पहुँचते। और आपको बीच बीच रस्ते में कहते एक चीज़ दिखाऊँ, एक चीज़ भाई। तो चलो गाइस हम चलते हैं अपनी रोड ट्रिप के लिए, तो लेते हैं प्रभु का नाम, बोलो जय श्री राम, और कमेंट सेक्शन में भी सब जय श्री राम लिख देना। और भाई अपनी ये ट्रिप सेफ रहे, सब सही सलामत वापस आए ऐसी हम प्रे करते हैं। और अब ये ट्रिप सही रहेगी तो और ट्रिप भी, और ट्रिप पे भी घूमने जाएंगे। तो चलो फटाफट चलते हैं और आपको रास्ता दिखाते हैं। चलो तो भाई हम यहाँ पहुँच चुके थे अक्षरधाम के पास, तो आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में है मेरे अक्षरधाम, ये देखो। और अब हमें एक्सप्रेस वे पे, जो कि भाई बढ़िया है। बाकी भाई अपनी बाइक की लाइटें देखो कितनी मस्त लग रही है, और चलो अब हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं आगे का अपना रास्ता। चलो अब सेफली हम चल रहे हैं, बढ़िया तरीके से चलते चलते चलो। भाई गाजियाबाद में एंटर करने के बाद हमें कुछ ऐसे ब्रिज पे, ये पोल पे लाइटिंग मिली थी, और दूर तक देखो कैसे पूरा इंडियन फ्लैग के कलर में लाइटिंग कर रखी, बहुत ही प्यारी लाइटिंग लग रही है, मतलब बिल्कुल सीनिक वे है। देख सकते हो आप कैसे हर जगह लाइटिंग हो रखी है, बहुत प्यारी लाइटिंग कर रखी है।
स्पीड जो है शीतल के होटल शीतल का वो देख रहे हैं रास्ता, और फिर अब थोड़ी देर में रुकेंगे आगे चल के। बहुत ठंडा, बहुत ग्रैंड पे रुके हैं अपना खाना खाने के लिए, मतलब चाय वाय पीने के लिए। बाइक से पार्क कर दिया और अब जा रहे हैं ट्रेंस पे। यहाँ पे देखो मछलियों का वो बना रखा है, फिशेस का पौंड सा, और यहाँ पे ये लोटस वोटस है, बढ़िया एम्बियंस बना रखा है। कितनी बड़ी बड़ी मछली है, आपको तो वाटर प्रूफ होगा डाल सकते। रिएक्शन देखो जो बाइक खड़ी होती है कैसा रिएक्शन आता है, बढ़िया है। हो चुके हम फुल चार्ज और अब चलते हैं अपनी आगे की ट्रिप के लिए। तो चलो अब बाइक पे बैठते हैं और करते हैं अपनी आगे की ट्रिप कवर। बाकी भाई पब्लिक रिएक्शन देखो, जहाँ भी बाइक्स खड़ी हो जाती है वहाँ पे कैसे पब्लिक रिएक्शन मिलता है। और अब चलते हैं अपनी ट्रिप के लिए, आगे की फर्दर ट्रिप के लिए। तो चलो लेट्स गो भाई। पाजी देख रहे हैं यहाँ पे व्हीली मारने की कोशिश करेंगे, मतलब थोड़ी बहुत उठाते हैं अभी, धीरे धीरे सीख रहे हैं पाजी भाई। किसी को रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी ट्राई करे, अपनी स्किल्स है और अपना एक्सपीरियंस है, अपना रिस्क भी है इस चीज़ में, तो अपने उस पर ट्राई करें सब, कोई भी रिस्क ना ले। तो भाई ये वो होटल है, जब हमने ऋषिकेश से आते वक्त यहाँ पर खाना खाया था, वरुण भाई को याद होगा अच्छे से, उन्होंने ये स्पेशली यहाँ पे रुकवाया था। तो वरुण भाई ये वीडियो देख रहे हो तो आपने ये होटल याद होगा आपको अच्छे से। चलो अब चलते हैं आगे। बाकी भाई अभी हमें स्पॉट हुई है एक ऑडी Q8, और ये हरियाणा की गाड़ी है भाई, पैसे वाले लोग ही कर सकते हैं, मतलब महंगी गाड़ी और माइलेज वाइलेज कुछ देती नहीं है। शौक शौक की बात है भाई, अपने जिसको शौक है वो लेके आ रहा है गाड़ी यहाँ पे। बाकी भाई स्विफ्ट वाला रेस लगाते हुए आगे नहीं जाने दे रहा है, हमें गाड़ी कवर नहीं करने दे रहा है भाई। एक बार व्यू चेक करो बस, अल्टीमेट व्यू भाई, चारों तरफ अपने ग्रीनरी ग्रीनरी, फार्म ही फार्म है हर जगह। और मतलब ये होता है असली सुकून, अपना रोड ट्रिप का यही फ़ायदा है, अपना ऐसे कहीं भी व्यू वगैरह हम देख सकते हैं, किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं, रुकना चाहे रुक सकते हैं। मगर अभी हम चलते रहेंगे क्योंकि थोड़ा लेट चल रहे हैं स्केड्यूल से। बाकी व्यू देखो भाई अल्टीमेट, यहाँ पे रिवर है, रिवर नहीं है, अभी सूखी पड़ी है, वैसे यहाँ पे रिवर दिखा रहा था मैप में, हल्का हल्का सा पानी है। व्यू देखो भाई, बस यही चीज़ के लिए सुकून आता है घूमने आते हैं जब। अब हम पहुंच चुके थे हरिद्वार क्रॉस करके, यहाँ पेट्रोल पंप पे रुके हैं, इंजन भी डल चुका है। अब अपने में भी डलवा लेते, वैसे तो है मगर कोई नहीं डलवा लेते, चलो फ्यूल डलवाते हैं। तो गाइस फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं उत्तराखंड, यहाँ से अपना उत्तराखंड का रास्ता शुरू हो जाता है, और यहाँ से अपना असली पहाड़ी इलाका स्टार्ट हो जाएगा, जो रोड के कर्व जाएंगे यहाँ पे आने स्टार्ट होंगे। बाकी भाई सामने है मंदिर, तो जल्दी से साइड में लगा के अपना फटाफट भगवान जी से प्रे कर लेते हैं कि भाई हमें सही सलामत जाए और सही सलामत आ जाए, सबकी सलामती हो। तो चलो भाई चलते हैं अपना, कंटिन्यू करते अपने जर्नी। और भाई बाकी अब अपना देखो अल्टीमेट रास्ता स्टार्ट हो चुका है, दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ और पहाड़ में आ चुके हैं। अब यहाँ से रोड कर्व होना स्टार्ट हो गया, ये देखो पहला कर्व आ चुका है। अब मुझे एक्सपीरियंस नहीं इसलिए मैंने इतना रिकॉर्ड नहीं करा। वो जो आपको वहाँ दिख रहा है वो झूला, वो अपना वो है ऋषिकेश का राम झूला, कौन सा लक्ष्मण झूला है, राम झूला है, कौन सा झूला है, क्या अल्टीमेट झूला भाई, एक नंबर मजा। भाई लोकेशन देखो, रेंडमली रुके थे और एक द व्यू देखो पीछे, एक इतने कर्व्स ऐसे, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, एक नंबर भाई, बहुत मज़ा आ रहा है। देखो वहाँ से शुरू करा था, वहाँ से यहाँ अभी और भी ऊपर जाना मेरे ख्याल से, एक नंबर के वो देखो वहाँ पे। हाँ जी क्या स्टेटस है, मज़ा आ रहा है, एक नंबर एक्सपीरियंस है, ऐसे कर्व्स पे जो मज़ा आ रहा है भाई। हम वहाँ से आए हैं, वहाँ से भाई बता रहा हूँ, वहाँ से आए हम नीचे से, और भी ऊपर जाएंगे बिल्कुल भाई, और भी ऊपर है ऑन दी टॉप। आज पता क्या होगा, क्या हम ऊपर आसमान नीचे, ये सिस्टम कर देंगे आज। चलो आपको और ऊपर चलते हैं। तो भाई ये देखो, अब आपको लेफ्ट साइड में दिखाते हैं आपको अल्टीमेट सब व्यू, ये देखो भाई। और बाकी रोड्स तो देखो अल्टीमेट है ही,
ये इस पैच में मेरे ख्याल से यहाँ लैंडस्लाइड हुई है, इस वजह से यहाँ पे देखो साइड में पूरे पत्थर वगैरह पड़े हैं और रेलिंग वगैरह टूटी हुई है। बाकी रोड्स की कंडीशन बहुत अच्छी थी, ना कोई गड्ढे ना कोई अननेसेसरी वो रोड ख़राब था। बाकी भाई व्लॉग हो रहा है अपना लंबा, तो अब आपको हम डे 1 ही 2 पार्ट्स में दिखाएंगे। तो इसी नोट पे करते हैं हम अपनी वीडियो ख़त्म, इस अल्टीमेट व्यू के साथ, इस अल्टीमेट रोड के साथ। तो सी यू इन पार्ट 2।